नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके ज्ञान में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको टैली प्राइम की कुछ स्पेशल फीचर्स, कुछ हिडन कीज के बारे में बताऊंगा जो टैली में है तो आपके सामने ही, लेकिन आपको या कई लोगों को, सबको मैं नहीं कह सकता, कईयों को उस फंक्शंस के बारे में पता होगा और कईयों को नहीं भी होगा। तो ये वीडियो उनके लिए जिनको उन फीचर्स का नॉलेज नहीं है कि ये इन फीचर्स का क्या यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, और जब पता चलता है कि इन चीज़ का इतना अच्छा यूज़ है तो वो काफ़ी उनको हेल्प मिलती है अपना काम करने में, बहुत इजीनेस फील होती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर न्यू हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे, इसको प्रेस कर देंगे तो मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगता है, आपके लिए इन्फॉर्मेशन यूज़फुल रहती है तो प्लीज़ उसको आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स, कुछ हिडन फीचर्स टैली में उनका क्या यूज़ है, उनमें से आज हम चार फीचर्स पे डिस्कस करेंगे डिटेल वाइज। तो जो सबसे पहला फीचर है वो हम स्टार्ट करते हैं, इसको ये आप एक्टिवेट कर सकते हैं ऑल्ट एस से। हम एक इनवाइस बनाते हैं, इस इनवाइस में आप कुछ भी नाम दे दीजिए और नंबर वंबर अपन अपने हिसाब से दे सकते हैं। ये एग्जांपल के हिसाब से अपन एक ले लेते हैं, जैसे अब गणेश, इनको हमें मटेरियल देना है, ठीक है। अब चना हम देते हैं इनको, यहाँ पहुँच के हमें याद आता है कि क्वांटिटी तो ओके, प्राइस याद नहीं है, लास्ट टाइम इनको क्या प्राइस में दिया था। तो उसके लिए या तो हम वापस से बाहर जाएं, ये जो हमने अभी फीड किया, रेस करें, बैंक जाएं और करें चेक, या से अच्छा यहाँ पे आकर के, कर्सर पे आकर के हमको यहाँ पे, तो हमारे सामने ये विंडो ओपन हो जाएगा। इस विंडो में आप ये देख सकते हैं कि हमने ये मटेरियल परचेस यहाँ आ रहा है, कब किससे ख़रीदा है और यहाँ पर सेल किया है। इधर से आप चेक कर सकते हैं कि हमने लास्ट प्राइस में कौन से में बेचा है, कौन से में ख़रीदा है। ये देखिए, जैसे एक इनवाइस नंबर आ रहा है हमारा 19 जनवरी का, 100 रुपीज़ से हमने परचेज़ किया, इससे पहले 80 में किया, इससे पहले 132। ऊपर आप देखिए, यहाँ पे इसकी एवरेज कॉस्ट बताएगा, एवरेज कॉस्ट इन द सेंस कि सभी मटेरियल जितनी बार भी हमने परचेज़ किया और सेल किया उनका एक टेंटेटिव एवरेज, वो यहाँ शो हो रहा है। और यहाँ पे आपकी सेलिंग का जो स्टैंडर्ड प्राइस है, एवरेज और स्टैंडर्ड में भी फ़र्क होता है, उस पर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। ये पॉइंट, ये फीचर आपको कब यूज़ आएगा वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। बेसिकली ये फीचर आपको ऑडिट के टाइम पे काम आ सकता है। तो कौन कौन इस फीचर के बारे में जानना चाहता है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट में क्या फ़र्क है, इस पर वीडियो बनाइए, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं वीडियो बना दूँगा, ठीक है। अभी हम उसी पे आते हैं कि ऑल्ट एस से हमने यहाँ से प्राइस निकाले, ये परचेज प्राइस, ये सेल प्राइस, इससे आप ये लास्ट ये देख सकते हैं कि इस प्राइस में हमने किसको क्या दिया है। 30 का है, 87 का हमने बेचा है, तो या तो 87 का प्राइस हो, या अगर आपका पर्टिकुलर वो प्राइस उस कस्टमर का जो है, तो उस कस्टमर का भी इसमें, अभी इसमें उसका नाम शो नहीं कर रहा है बिकॉज वो डेट रेंज हमने सेलेक्ट नहीं किया है। तो अगर मैं इसको बाहर जाऊंगा तो वो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी, तो मैं आपको एक ब्रीफ कर देता हूं कि यहाँ पे उनके नाम भी आ जाएंगे कि लास्ट उस कस्टमर को हमने कितने में दिया हुआ है और हमने बायर से कितने में परचेज़ किया हुआ है, तो यहाँ से आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। बाहर आते हैं, इस फंक्शन के बाद ये तो हो गया, आपने प्राइस निकाल दिया, आपको प्राइस मालूम पड़ गया, आपने इनवॉइस बनाया और इसको सेव कर दिया, ओके। एक तो ये वाला ऑप्शन हो गया। अब इसी की फर्दर आगे मैं बता रहा हूँ, यही एक फीचर है, इसमें और क्या अपडेट्स हैं और क्या इसकी खासियत है, मतलब हम इसको और कहाँ पे देख सकते हैं, क्या आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको समरी में जाना है, स्टॉक समरी, एस प्रेस किया तो हम फटाफट से पहुँच गए। अब आप यहाँ देख रहे हैं वही आइटम मैंने लिया, एग्जाम्पल के हिसाब से हम एक ही आइटम को फॉलो करते हैं, चना। इसकी क्लोजिंग क्वांटिटी आप देख रहे हैं 640, ये रेट आ रहा है 67, ये एवरेज रेट है। अब यहाँ आपको देखना है कि मुझे ऐसी लिस्ट चाहिए, मुझे प्रिंट निकालना है
कि ये जो मटेरियल है लास्ट हमारे पास किस रेट में आया हुआ है। कहीं भी अपनी क्वेरीज बैठ सकती हैं, हम काम कर रहे हैं अपने शॉप पे बैठे हुए हैं, तो हो सकता है हम अकाउंटेंट हैं, हमें अपने आगे मालिक ने कहा कि इसको लास्ट प्राइस में कब कब आया, इससे इसका प्राइस का प्रिंट आउट निकाले, तो हमें कैसे निकालना है, तो उसको हम कैसे देख सकते हैं, या हमें ही कुछ क्वेरी चेक करनी है, हमें ही नीड पड़ जाती है इस ऑप्शन को देखने के लिए कि लास्ट उसका कॉस्ट प्राइस क्या था और लास्ट इसका सेल प्राइस क्या है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे F8 दिख रहा है, वैल्यूएशन। इस F8 का फंक्शन यहाँ यूज़ होता है कि इस F8 का मतलब ये है कि आप इस पर्टिकुलर आइटम पे जहाँ भी आप कर्सर रखेंगे वहाँ वो आइटम एक्टिवेट होगा और ये सिलेक्शन यहाँ से लेना है। F8 प्रेस करेंगे। अब ये देखिए डिफ़ॉल्ट एवरेज, डिफ़ॉल्ट एवरेज प्राइस, एवरेज कॉस्ट। अब आपको लास्ट परचेस कॉस्ट देखनी है, तो आप अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये जो आपका था चना लास्ट परचेस की प्राइस थी 54.57, इसको हमें अगर क्रॉस चेक करना हो यही प्राइस था, तो हम इसको एंटर करते हैं। लास्ट में जाइए, लास्ट बोल रहा हूँ मैं, तो लास्ट परचेस की कहाँ पर है, 6 मार्च को, या देखिए 354.57 लास्ट परचेस है, या लिस्ट में देख सकते हैं ये इनवर्ड क्वांटिटी है, लास्ट परचेस हमारी हो गई और ये आउटवर्ड है, ये लास्ट सेल हमारी हो गई, ये क्लोजिंग है। तो लास्ट परचेस आपको मालूम पड़ गया 54.57, वो यहाँ पे रेट आ रहा है। अब आपको लास्ट सेल देखना है, तो अगेन आप F8 को प्रेस कीजिए, लास्ट सेल प्राइस में जाइए, यहाँ पे हमने लास्ट सेल किया, ये देखिए आपका लास्ट सेल था 60 रुपीज़। क्रॉस चेक करने के लिए इसको एंटर कीजिए, ये आपका लास्ट जो बिल बना हुआ है 31 मार्च को, दैट इज़ विथ ₹60, ये यहाँ पे आ गया। तो एक फीचर ये था जिसके दो कंसेप्ट मैंने बताए, दो चीज़ें मैंने इसमें आपको बताई। आगे बढ़ते हैं, दूसरा आपको अपना क्लोजिंग स्टॉक चेक करना है। अब उसमें कहीं कोई मिसमैच आ जाता है, जैसे ये आइटम्स हैं आपके, अब आपने सेल बनाई, सेल में आपने ये देखे, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये इन हमने कितना किया इन अ मंथ, सेल कितना किया, ओपनिंग क्या था, ये पूरी एक लिस्ट आ जाती है यहाँ पे, और हमने मंथ सेलेक्ट कर लिया है 1 मार्च to 31 मार्च। मार्च में हमारे पास ओपनिंग तो ये था जो 1 अप्रैल को हम लेके आए, मार्च में हमने ये आइटम परचेस किए, ये आइटम सेल किया। अब मुझे स्टॉक वेरीफाई करना है, फिज़िकल बिल्स मैच करना है कि मैंने ये जो मटेरियल किया था इतना था, उसकी वैल्यू इतनी है, लेकिन आपका फिज़िकल स्टॉक कुछ बोल रहा है, कंप्यूटर में कुछ है, तो उसको क्रॉस चेक करने के लिए मान लीजिए आपने कुछ, आपसे कोई मिस्टेक हो गई कि आपको दाल जो है वो डाल, एक्चुअल था वो चना, लेकिन गलती से आपने इसको दाल में डाल दिया। अब हमें चेक करना है, चेक करने के लिए एक एक एंट्री को आप चेक करेंगे, बेटर डेली बेसिस पे अगर आपका परचेस होता है तो आप उसको डेली बेसिस पे चेक करेंगे। हमारी परचेस डेली बेसिस पे नहीं होती है, वीकली, मंथली, 15 डेज 10 डेज में होती है। तो हम इस एग्जांपल को समझने के लिए सेल का एग्जांपल ले लेते हैं, सेल को समझ लेते हैं, क्योंकि सेल हमारी डेली होती है। अब आपकी सेल थी चना की, डाल दी आपने दाल में, अब आपको स्टॉक मैच करना है, मिल नहीं रही, अब आप एक एक एंट्री चेक करेंगे, ऑब्वियसली सी बात है पर डे की तो टाइम ज़्यादा जाएगा। तो यहाँ पे आप आकर के कंट्रोल एच करेंगे, यहाँ डेली का है ऑप्शन है, वीकली का है, क्वार्टरली है, फोर्थ एंगली है, हाफ ईयरली है, तो हमने डेली पे सेलेक्ट किया। डेली पे आने के बाद आपका ये बताएगा कि 1 मार्च को आपने टोटल पूरे दिन में 150 kg सेल किया था, उसकी वैल्यू इतनी है। और अगर आप डेली सेल बनाते हैं मैनुअल बुक्स में तो आप उससे देख सकते हैं कि ठीक है मेरा ये वाला आइटम 1 मार्च को मैनुअल में इतना ही बोल रहा है, कंप्यूटर में इतना, मतलब फर्स्ट में कोई गड़बड़ नहीं है, सेकंड में चेक करते हैं, सेकंड में यह है ही नहीं, फोर्थ में चेक करते हैं, फिफ्थ में चेक करते हैं, कहीं मान लो आपकी आगे चलते चलते यहाँ आपकी गलती पकड़ में आती है, 18 तारीख में आपकी एक्चुअल तो 150 है लेकिन यहाँ पे 210 है, तो ये आपको फ़र्क पता चल जाएगा कि यहाँ पे 60 kg का मैंने ज़्यादा डाल दिया है। तो आप पर्टिकुलर उसी डेट को चेक करेंगे, उसी डेट में जाएंगे और यहाँ देखेंगे यार ये तो हमारा है ही नहीं, ये तो मटेरियल कुछ और है, तो इस मटेरियल को आप वहाँ से शिफ्ट करेंगे। तो इस तरीके से आप अपना इन्वेंट्री स्टॉक को क्रॉस चेक करके अगर कोई मिस्टेक निकलती है तो डेली बेसिस पे चेक करेंगे तो ईज़िली आपकी मिस्टेक फटाफट निकल जाएगी, आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा और प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। थर्ड पॉइंट पे हम आते हैं, कोई स्टॉक जैसे
ये स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है, हम मान लेते हैं ये तो वैसे ज़्यादा है, हम एक सेल बना लेते हैं। चलिए एक सेल कर लेते हैं पहले कि एक कैश में हमने ये आइटम बेचा है। अब ये 330 एक्चुअल जो है ना वो 330 केजी है, इसमें तो 330 1.20 है, बट नहीं, जो हमारी पैकेट हैं, जो हमारे कट्टे हैं, दैट इज़ 330 है, मतलब 11 कट्टे, 30 केजी का एक कट्टा है। रेट जो भी है ये हमने बना दिया। ओके, अब हम इस आइटम में वापस जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए कितना बच गया, 1.20। अब 1.20 तो है ही नहीं, तो आप इसको कैसे राइट ऑफ करेंगे? या तो आप इसको सेल का बिल बनाएं, नॉट पॉसिबल, कैसे बनेगा, और या तो फिर आप इसको यहीं से ही वाउचर में आ जाएं, इसको बाहर, या तो बाहर जाइए, वाउचर में आइए, यहाँ आप ऑल्ट एफ कंट्रोल को प्रेस करेंगे तो ये की एक्टिवेट हो जाएगी, फिजिकल स्टॉक। इसको प्रेस कीजिए F7 के साथ, आपके सामने फिजिकल स्टॉक खुल गया। यहाँ वो जो आइटम था डालिए 1.20, इसे हमें राइट ऑफ करना है, नलीफाई करना है, ये है ही नहीं बुक्स में। तो हाँ, यहाँ आकर के आप 0 प्रेस कीजिए और इसको सेव कर दीजिए। दोबारा बता रहा हूँ मैं, हम बाहर गए, गेटवे ऑफ टैली पे वाउचर प्रेस किया, कंट्रोल F7 किया, एक सेकंड मैं ये बाहर आ जाता हूँ, वाउचर पे ये ओपन किया हुआ है ना, अभी एक्टिवेट किया हुआ है, तो यहाँ हम पहुँच गए। अब कंट्रोल 7 से देखिए, यहाँ फिजिकल स्टॉक देख रहे हैं, ये विजिबल नहीं है, डिसेबल है, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे एक्टिवेट किया हुआ है। तो यहाँ पे हमने वो आइटम लिया, आप कंट्रोल F7 करेंगे तो फिजिकल स्टॉक खुल जाएगा। मोट लिया, इसको किया हमने 0 और इसको कर दिया कंट्रोल A से सेव। हम बाहर आ जाते हैं, बाहर आ करके हम देखेंगे कि जो मोट आइटम था दैट इज़ रिमूव्ड, हट गया। कैसे चेक करेंगे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 0 हो चुका है, तो आउटस्टैंडिंग 0 तो दिखाएगा नहीं यहाँ पे। 0 स्टॉक देखने के लिए क्या कर सकते हैं, वो फंक्शन की भी देख लीजिए, F12 प्रेस कीजिए, यहाँ देखिए शो स्टॉक आइटम विद 0 क्वांटिटी और बैलेंस। 0 क्वांटिटी जो आइटम था हमारा वो यहाँ आ चुका है, और ये देखो 0 दिखा रहा है। अब क्या ट्रांजेक्शन हुआ नहीं हुआ, इसको चेक करने के लिए आप जाइए और ये नीचे देखिए, लास्ट में 31 मार्च फिजिकल स्टॉक की एक एंट्री शो हो रही है, और ये एंट्री हमने की, तो यहाँ पे 0 प्रेस किया, सेव कर दिया, तो वो स्टॉक 0 हो गया, आपकी बुक से वो नलीफाई हो गया, ख़त्म हो गया। ओके, फोर्थ पे हम आते हैं। अगर कोई आपको सेल का इनवॉइस बनाना है, ठीक है, इसको हम डीएक्टिवेट करेंगे पहले, ये हम आ गए, सेल्स का इनवॉइस बनाना है, कोई भी इनवॉइस दोबारा ले लेते हैं। अब कोई टैक्सेबल आइटम है आपके पास, आप चाहते हैं मेरे पास टैक्स रेट है, सपोज़ कीजिए आप आइटम है आपका 20 केजी सेल कर रहे हैं, अब यहाँ जो रेट है 380 प्लस इस पर 5% टैक्स है, बट आपके पास जो रेट है दैट इज़ इंक्लूडिंग GST, तो आप सपोज़ कीजिए इसको इंक्लूड करते हैं हम GST में इनटू 5%, तो ये हो जाता है 19, तो 399 पकड़ लेते हैं, हमारा जो प्राइस है वो 400 है। अब आपको GST पेड का रेट पता है, बिल बनाते वक्त आपको ऑब्वियसली GST निकाल करके रेट डालना पड़ता है, फिर नीचे हम CGST चार्ज करते हैं, लेकिन हम कहें कि हमारा जो रेट है वो तो GST इंक्लूड है, हम तो वही डालें और ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन हो जाए और नीचे शो कर देंगे दोनों रेट आ जाए, तो उस कंडीशन में आपको, ठीक है, F12 प्रेस किया तो ये एक विंडो ओपन हो गया। अब यहाँ पे देखिए, प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर स्टॉक आइटम, ये भी फंक्शन मेरे हिसाब से काफ़ी लोगों को पता होगा, लेकिन जो बिगनर्स हैं उनको पता नहीं होगा, और अगर उनको भी पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता है, जिनको नहीं पता है वो देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम वो रेट डाल देंगे, देखिए ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया, और यहाँ आकर के हम टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे 8,000 रुपीज़। अब आपका जो रेट था 380, इसको 20 से कीजिए तो 7600 आ रहा है, और इस पर अगर हम 5% चार्ज करते हैं तो 380 7600 380, ये 7980, क्यों? क्योंकि हमारा ये 380 से प्राइस है, यहाँ पे 380.9, क्योंकि हमारा 399 आ रहा है, हम यहाँ पे 399 करेंगे ना तो 7980 ही आएगा, ये देखिए 7981 आ रहा है, 80 ही आया। तो यहाँ हमने GST पेड रेट डाल दिया, इंक्लूडिंग GST टैक्स के साथ,
और यहाँ ऑटोमेटिक, तो आपको ये डालना है, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इस तरीके से आप GST इंक्लूडिंग रेट डाल के भी इनवॉइस बना सकते हैं। तो दोस्तों ये थे आज वीडियो में मेरी तरफ से 4 स्पेशल फीचर्स इन्वेंट्री के लिए, आपके फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन के लिए और GST रेट के लिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको आप आगे शेयर भी कर सकते हैं और लाइक ज़रूर कीजिएगा। स्टैंडर्ड कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट में क्या डिफरेंस है, उस पर अगर किसी को वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बोल दीजिए, मैं उस पर वीडियो बना करके भेज दूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।